ओके बिल्कुल सर। बिल्कुल। तो कैसा वक्त गुजर रहा है आप लोगों का? उदासी तो नहीं हो रही कॉलेज के बगैर? नहीं नहीं सर जी, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक गुजर रहा है। तो खुश है कि हाँ जी घर में बैठा है। चलो जी जैसे खुश रहे हैं। सर जी। जी, वो ऑपरेशन हुआ था ना मेरा, तो इसलिए फिर शॉप पे अंकल नहीं थे आज, मैं फिर आ गया, वरना घर ही होता। सही। चलो ये भी साथ जरूरत है इंसान की। हर काम ही इंसान ने करना है, जैसे जैसे हैं इंसान की जिम्मेदारियां उसके मुताबिक तो हमें सारी ड्यूटीज वगैरह करनी है। तो बाकी दोस्तों को अभी देख रहे हैं, जैसे जैसे ज्वाइन कर रहे हैं तो कुछ लोगों ने कैमरे ऑफ किए हुए हैं, तो कोशिश करें कि जरा शक्ल दिखा दें कि कहाँ पे हैं कैसे हैं, तो उसके बाद हम आगे। बात स्टार्ट करते हैं। दाऊद ने कैम ऑफ किया हुआ है। दाऊद मेरा हो नहीं है जी नहीं, कैमरा आपका ऑफ है बेटा। हाँ जी, कैमरा। और ये गैलेक्सी प्राइम है किसी के पास बेटा? इसका नाम आप अपना कोशिश किया करें कि अपने नाम से, ताकि हमें आपस में मुखातब करने में आसानी रहे। तो दो चार मिनट देखते हैं, एक आधे लोग और आते हैं तो फिर हम स्टार्ट करते हैं। अभी हमने स्टार्ट ही नहीं किया, अभी समझे वाली तो बात दूर की है, इसलिए अभी परेशानी हो। कोई बात, ऐसा समझ आ जाएगी। नहीं बेटा, इसी लिहाज से फिर आगे हम स्क्रीन शेयर करेंगे, स्क्रीन के ऊपर हम बाकी चीजें ऐड करेंगे। ये कौन है जी जिसने मेरे नाम से ही बनाया हुआ है? हो सकता है सर उसका अपना नाम भी शहजाद का हो, पेंडिंग नहीं, में। अच्छा अभी लिस्ट में तो नहीं था, तो थोड़ा सा कुछ मैसेज आए हुए हैं, देखते हैं क्या कह रहे हैं जी ग्रुप में। तो चलें जी, जो आ गए हैं वो ठीक है यहाँ पे हम, ताकि बाकी लोगों को भी मैसेज कर देते हैं। बेटा लास्टली हमने मेनली बात की थी कि आपके पास कंप्यूटर के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं, तो उसके अंदर हमने कहा था कि हमारे पास बहुत सारे डिवाइसेस होते हैं, उनके बारे में हमने बात की थी। तो अब हम वहीं से अपनी बात स्टार्ट करते हैं। तो हमने बात की थी कि रैम के बारे में, कि रैम क्या होती है। तो रैम के बारे में हमने कहा था कि रैम जो है वो रैंडम एक्सेस मेमोरी का मुखफ्फफ है, तो उसके बारे में हमने बहुत सारी बातें की थी। तो वो थोड़े से देखते हैं कि आप लोगों के जहन में है या नहीं है, जो चीजें नहीं है वहीं से हम दोबारा स्टार्ट करते हैं, ताकि
ताकि जहाँ से हमारा वो जो सिलसिला खत्म हुआ था तो वहीं से हम स्टार्ट करें। तो सबसे पहले रैम, रैम की एब्रिवेशन क्या है, रैम किस चीज की एब्रिवेशन है? हाँ जी, आप लोगों से है कि हाँ जी जी कौन रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। हाँ जी, तो उसके बाद आपने बात हाँ बेटा, रैम की टाइप्स कौन कौन सी हैं उसके बारे में कौन बताएगा? हाँ जी, सब लोगों ने साथ शेयरिंग करनी है बेटा। हाँ जी, रैम की टाइप्स जुलकर नैन। हाँ जी जुलकर नैन, हाँ जी रैम की टाइप्स बेटा। हाँ जी एस रैम और सीआर साहब सर आपसे बात कर डी रैम। नहीं बेटा, सब किससे बात कर रहा हूँ, सिर्फ सीआर बेचारा नहीं, उस वो बेचारा पहले ही बात करता रहता है अक्सर। तो हाँ जी जी, एस रैम क्या होती है बेटा, कौन बताएगा? एस स्टैंड फॉर, लगता है कि ये टॉपिक आप लोगों ने नहीं देखा, स्टैटिक। और डी फॉर के बाद क्या है? डायनामिक। अब इन दोनों में फर्क क्या होता है बेटा? स्टैटिक, स्टैटिक रैंडम रैंडम एक्सेस मेमोरी। हाँ जी, और डी रैम स्टैंड फॉर डायनेमिक, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब हम इनके लिहाज से बात करते हैं कि स्टैटिक में क्या होता है और उसके अंदर आपके पास है डायनेमिक में। डी रैम जो है जी, स्पीड के लिहाज से बात कर लें किसकी? डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। हाँ जी, वो तो हमने कर लिया, एब्रिवेशन तो होगी, पहला डिफरेंस एक हो गया कि ये एब्रिवेशन में फर्क है। तो एस रैम जो होती है वो फास्ट होती है कि डी रैम फास्ट होती है? ये क्या होती है? स्लो होती है। और जो डी रैम होती है वो क्या होती है? फास्ट होती है। वजह क्या है बेटा इसकी? फास्ट हाँ बेटा, थोड़ा सा प्रॉब्लम है का, तो इस वजह से बार बार डिस्कनेक्शन देखनी पड़ रही है। तो जो स्टैटिक है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं कि वो क्या करनी पड़ती है, बार बार उसे रिचार्ज करना पड़ता है। लेकिन इसे बार बार जो आपके पास डी रैम है आपके पास रिचार्ज करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता, जिसको हमें रिचार्ज नहीं करना पड़ता। अगर हम वहां पे पावर की बात करें तो ये क्या करती है, आपके पास मोर पावर कंज्यूम करती है जब बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है। और ये क्या करती है, लेस पावर कंज्यूम करती है। उसके बाद हमारे पास जो बाकी हैं, हमारे पास जो अगर स्पीड के लिहाज से बात की जाए, आपकी एस रैम जो है वो बार बार रिचार्ज करने की वजह से स्लो होती है, और जो डी रैम है वो क्या होती है, फास्ट होती है। अगर कीमत के लिहाज से बात की जाए तो आपके पास जो एस रैम है तो वो आपके पास क्या होगी, लेस कॉस्टली होगी। इसलिए इसके अंदर कोई खास किस्म का मटेरियल इस्तेमाल नहीं किया जाता, तो उसको हम कहते हैं या फिर आपके पास हम लाभ से इस्तेमाल करते हैं लेस कॉस्टली, एक्सपेंसिव। जबकि उससे उल्ट जो है डी रैम जो है वो क्या है हमारे पास, क्या है, एक्सपेंसिव है, कॉस्टली है। यहाँ पे आपके पास क्या है, एक्सपेंसिव है, या फिर हम कहते हैं वो क्या है, कॉस्टली है।
इसके अंदर आपके पास आमतौर पे ये जो है, ये आपके पास क्या है, जो भी हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के मटेरियल वगैरह हैं तो उसके अंदर मेटल्स वगैरह को हम इस्तेमाल करते हैं। तो आमतौर पे ये क्या होता है, सिलिकॉन के सर्किट के ऊपर मुकम्मल होता है। यहाँ पे ये जो है आपके पास CMOS टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करता है, कम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर को इस्तेमाल करता है। तो यहाँ पे इस तरीके से, इसी वजह से CMOS को इस्तेमाल करने की वजह से ये क्या होता है, कॉस्टली होता है। तो ये तो थी हमारी पुरानी बातें जो हमने पहले पढ़ी हैं। अब हमने एक और टॉपिक पढ़ा था मेमोरी के अंदर, हमने पढ़ा था रोम के बारे में। हमने एब्रिवेशन क्या कहा था, आर फॉर रीड, ओ फॉर ओनली और एम फॉर मेमोरी। ये जो रोम है वो आपके पास क्या है, रीड ओनली मेमोरी का मुखफफ है। तो रोम के बारे में बात की थी कि इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, डाटा वन टाइम स्टोर ओनली मेमोरी मेमोरी। हाँ जी, जैसे इसका नाम है तो इसके अंदर हम डाटा को रीड कर सकते हैं, इसमें डाटा राइट नहीं कर सकते। हाँ जी, मेरे ख्याल से आप लोगों को म्यूट कर सकते हैं, आप वैसे भी बात नहीं करना चाह रहे, नहीं कर सकते। एक बार आपकी अटेंडेंस ले लें आपको। हाँ जी, जिसने पूछना हो तो वहां पे क्या करेगा, अपने नाम के ऊपर पार्टिसिपेंट के ऊपर जाके रेज हैंड कर देगा, तो मेरे पास आप यहाँ पे पता चल जाएगा कि हाँ जी आप सवाल पूछना चाह रहे हैं। थोड़ा हम बात कर रहे हैं यहाँ पे रीड ओनली मेमोरी के लिहाज से। तो यहाँ पे आपके पास क्या है कि आपके पास जो रोम है वो क्या है, आपके पास है रीड ओनली मेमोरी है। तो बेटा एक बार मैं सिर्फ स्क्रीनशॉट ले लूं आपकी अटेंडेंस का, उसके बाद फिर आपका बाकी लेक्चर हम कंटिन्यू करते हैं। तो नेट का थोड़ा सा मेरा आज प्रॉब्लम चल रहा है, थोड़ा सा स्पीड वगैरह की वजह से बार बार थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो इसे आज सेट करवाते हैं। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम जब मीटिंग होगी तो उसमें बेहतर होगा। तो यहाँ पे yeah.
आवाम तो सर आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही है। जी जी आवाम कम होती जा रही है, कोई बात नहीं। असल में अगर हमारी साइड पे थोड़ा सा नेट प्रॉब्लम ना हो तो आगे जैसी जैसी इनपुट होगी तो वैसी आउटपुट होगी, तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह बेहतर करेगा। रोज ही ये जो है नेट का प्रॉब्लम नहीं होगा तो लाजमी बात है कि लोग जो होंगे वो ज्यादा बेहतर तौर पे ज्यादा लोग होंगे। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे आपके पास है, हम बात कर रहे हैं, ये आपकी अटेंडेंस आ गई है, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ईपी रूम। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकली इरेजेबल, तो यहाँ पे एक ऐसी आपके पास मेमोरी जिसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकली इरेज कर सकते हैं आपके पास डाटा वगैरह, अल्ट्रा वायलेट रेज को इस्तेमाल नहीं करते, वो क्या कहलाती है हमारी ई रोम करती। इसके अंदर हम क्या करते हैं बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज इस्तेमाल करते हुए डाटे को स्टोर करते हैं। तो उसके जरिए हम क्या कर सकते हैं, किसी भी जगह पे अगर हमने जीरो लिखा हुआ है तो वोल्टेज अप्लाई करके चार्ज करके उसे जीरो को हम वन में तब्दील कर सकते हैं। तो अगर हमारे पास कहीं पर चार्ज है वहां पे वन है तो उस चार्ज को हम क्या कर सकते हैं खत्म करके उसको जीरो में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये काम कई बार हो सकता है, तो इसी वजह से यही हम जब भी डाटा यहाँ पे करेंगे तो उसके अंदर आपके पास क्या है कि जितना भी आपके पास डाटा होगा हम जितनी बार मर्जी चाहें अपने डाटे को क्या कर सकते हैं अपनी। जी बेटा काफी सारी प्रॉब्लम चल रही है नेट की बहुत ज्यादा, तो इस वजह से बार बार हम डिस्कनेक्ट हो रहे हैं। एक मिनट मैं जरा कंप्लेंट के लिए बात कर लूं। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी अब्दुलरहमान, क्या हाल है, ठीक है अब्दुलरहमान? नेट बहुत तंग कर रहा है यार, घर का लेक्चर है। 06525572378 उसको रिफ्रेश कर दे यार आप। ओके थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। जी बेटा तो हम बात कर रहे थे यहाँ पे रोम के लिहाज से, तो उसके लिहाज से हमने कहा था कि आपके पास रोम के अंदर ये खासियत है कि हम क्या कर सकते हैं कि जो भी आपके पास हाई वोल्टेज को इस्तेमाल करते हुए अपने डाटे को जीरो से वन में कन्वर्ट कर सकते हैं और वन को जीरो में। तो इसका फायदा ये होगा कि हम जितनी बार मर्जी चाहें उसके डाटे को चेंज कर सकते हैं। तो इससे फायदा ये होगा कि हम इसमें कई बार डाटा राइट कर सकते हैं और कई बार डाटा को हम उसको तब्दील कर सकते हैं। तो इससे हमें ये फायदा होगा कि हम क्या कर सकते हैं अपने डाटे को जब इरेज करेंगे तो जितनी बार मर्जी हम चाहें तो उसको इरेज कर सकते हैं और उसको तब्दील कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास प्रॉब्लम ये था कि अगर आपके पास ईपी रोम था तो उसके अंदर हमारे पास जितनी लेयर्स थी तो उसको हम उतनी बार चेंज कर सकते हैं। आपके पास फोर लेयर्स हैं तो फोर बार चेंज कर सकते हैं। अगर आपके पास फाइव लेयर हैं, अगर आपके पास बहुत सारी लेयर्स हैं तो उसके लिहाज से जितनी लेयर्स होंगी उसके लिहाज से ही हम उस डाटा को चेंज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारे पास ये सहूलत आ गई कि अगर कोई भी आपके पास डाटा चेंज करना हो तो हम क्या कर सकते हैं आसानी से चेंज कर सकते हैं। दूसरी बात ये है कि जब हम ईपी रोम को इस्तेमाल कर रहे हैं उसके अंदर हमने कभी भी डाटे को चेंज करना है पे आपने अल्ट्रा वायलेट रेज को इस्तेमाल किया था, एक तो एडवाइस हमें चाहिए जिसके लिहाज से हम क्या कर सकते हैं डाटा को चेंज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या है कि हाई वोल्टेज को इस्तेमाल करते हुए डाटा को चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं डाटा को इसके अंदर कॉपी करते हैं कलहदा जगह पे, फिर उसके बाद उस लेयर को रिमूव करते हैं और उसके बाद अगला स्टेप जो है वो हम क्या करते हैं डाटा को जो चेंज करना वो चेंज हम क्या करते हैं अपडेट कर देंगे। अपडेट करके फिर दोबारा क्या करेंगे नई लेयर्स के ऊपर डाटा को राइट कर देंगे। लेकिन इसके अंदर हमें कोई लेयर जी आज लगता है कि जिस तरीके से कनेक्शन के हालात हैं वो मजीद मीटिंग मेरे ख्याल से पॉसिबल नहीं है।
अगर कभी आप अगर कोई लेक्चर ना हो रहा हुआ तो जरा अभी हम मीटिंग कर लेंगे बेटा। इसी तरीके से आपको इनविटेशन लिंक भेज दिया जाएगा और आपने क्या करना है, स्टोरी डिवाइसेस के बारे में थोड़ा सा देख लेना है। हम कल स्टोरी डिवाइसेस के बारे में बात करेंगे, तो उम्मीद है कि कल ये जो आपकी नेट की सूरत हाल है वो भी स्टेबल हो जाएगी, जरा बेहतर हो जाएगी, तो फिर हम बेहतर तौर पर स्टडी कर सकेंगे। तो इसी उम्मीद के साथ कि आपने ये काम करना है कि जो आपका ये दोनों सर क्लास इसी टाइम होगी डेली 12:20 पे बेटा, जो टाइम टेबल का लेक्चर है उसी के लिहाज से है। अगर बाकी लोग नहीं लेते तो फिर हम क्या करेंगे, उसको जरा चेंज कर लेंगे। तो अगर आपके पास स्लॉट अवेलेबल है, बाकी लोगों ने लेक्चर दिए हैं, रमदान साहब ने या बाकी लोगों ने, तो अगर उन्होंने लिया तो फिर लाजमी बात है मुझे लास्ट के ऊपर ही लेना पड़ेगा। अगर वो ना हो नहीं सर फिर अर्ली भी कर सकते हैं, तो आप अपने ग्रुप में डिस्कशन कर लीजिएगा और डिस्कशन करके मुझे बता दीजिएगा अगर कोई और तब्दीली हो तो मैं अवेलेबल हूँ। जी आफाक कुछ कहना चाह रहे हैं? इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए, तो अल्लाह हाफिज। रैम और रोम के बारे में बात करेंगे, बहुत खुश है जान जी बगैर पड़े ही जान छूट गई। चलें जी, तो इंशाल्लाह ताला कल करीब बात करते हैं कि इंशाल्लाह ताला अच्छा हो। तो ये तो हमारे यहाँ जिस तरीके से है हमें इसके लिहाज से चलना पड़ेगा कि नेट की प्रॉब्लम्स वगैरह को। ओके सर। ओके बेटा, इंशाल्लाह ताला आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी बहुत जल्द। फिर उस वक्त तक इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। ओके जी सर।